अमन एवं शांति का पैगाम लेकर साइकिल से निकले 18,000 किलोमीटर लंबी हज यात्रा पर। उक्त हज यात्री आज अपने पड़ाव को आगे बढ़ाते हुए गुना पहुंचे। गुना पहुंचने पर मुस्लिम समुदाय द्वारा विभिन्न जगहों पर इनका भव्य स्वागत भी किया गया। साथ ही गुना शहर काजी नूरुल यूसुफजई ने उनके संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि यह दोनों हज यात्री मलेशिया निवासी 65 वर्षीय नूरुद्दीन एवं 30 वर्षीय इस्मादी हैं, जो विगत 20 नवंबर 2017 को मलेशिया के शहर कुआलालंपुर से साइकिल पर हज यात्रा के लिए निकले थे। साथ ही यह आज लगभग 5,740 किलोमीटर का सफर तय करके गुना पहुंचे हैं। वहीं आगे उन्होंने बताया कि विभिन्न देशों से होते हुए अगस्त माह में मक्का मदीना पहुंचकर अपने हज के फरीजे को अदा करेंगे। आगे उन्होंने बताया कि लगभग 18 देशों में वह शांति एवं सद्भावना का संदेश देते हुए यह दोनों हज यात्री अपनी हज यात्रा को आगामी ईद उल जुहा यानी कि बकरीद पर संपन्न करेंगे। साथ ही इनके स्वागत सत्कार में मुस्लिम समुदाय के साथ साथ अन्य समाज के लोग भी शामिल रहे, जिन्होंने जगह जगह माल्यार्पण कर एवं पुष्प वर्षा कर इनकी हौसला अफजाई की व इनका स्वागत किया। इधर से जाओ, इस तरफ से जाओ, भाई को दो माला दे दे ना, एक मुझे पकड़ा दे, पहले एक पहनाओ from Malaysia. We are cycling to Arab Saudi, roughly 18,000 kilometers, but we go slowly slowly from one place to one place, about 50-100 kilometers one day. How many kilometers how many countries you want to cross in this journey? Roughly 18 countries. You may not feeling tired after the cycling? Tired, very tired. Any message you are bearing with you? Yeah, we are carrying fish. Yeah, we have to live in peaceful manner. You know, all people must live in peaceful. Okay? No matter how we go, for peaceful. How could you feeling after the meet the people of Guna? They are very good, very cooperative. हॉस्पिटैलिटी, थैंक यू वेरी मच। दो लोग हैं जो मलेशिया से, जिन्होंने अपनी यात्रा कुआलालंपुर से शुरू की है। इनमें से एक का नाम नूरुद्दीन साहब है, जिनकी उम्र 65 साल है, और दूसरे साथी हैं उनका नाम है इस्मादी, जिनकी उम्र 30 साल है। एक आदमी रिटायर्ड है कंस्ट्रक्शन कंपनी से, दूसरे आदमी सी फूड का बिजनेस करते हैं। इन लोगों ने पूरे वर्ल्ड में अमन और शांति के लिए, पीस के लिए, और पूरी दुनिया को इस पैगाम को देने के लिए ये 30 हज यात्रा शुरू करी है, जो कि साइकिलों से चल रहे हैं। और अभी तक इनकी यात्रा 5,707 किलोमीटर आरोन तक हुई थी, गुना तक तकरीबन 35 किलोमीटर और बढ़ गई है। ये तकरीबन मलेशिया से कब चले थे? और ये चले थे 20 नवंबर 2017 को मलेशिया से चले थे, और तकरीबन अगस्त तक ये पहुँचेंगे सऊदी अरब के जद्दा मुल्क में। जैसा कि इन्होंने बताया कि करीब काफ़ी मुल्कों से ये क्रॉस होते हुए जाएंगे, तो इनके वीज़े वगैरह की क्या, किस तरीके से व्यवस्था की गई? इनको इंडिया का वीज़ा मिल चुका है, पाकिस्तान का वीज़ा मिल चुका है, और इसके अलावा जब ये आगे अपनी यात्रा थोड़ी आगे दिल्ली तक पहुँचाएंगे, तो ये तकरीबन इराक, ईरान, सीरिया, जॉर्डन और टर्की और सऊदी अरब पहुँचेंगे वहाँ से। तो ये बीच बीच में मुल्कों के वीज़े अप्लाई करते रहेंगे और इनको मिलते रहेंगे। इसी क्रम में आरोन नगर में भी इन हज यात्रियों का मुस्लिम समाज द्वारा स्वागत किया गया। गौरतलब है कि इन हज यात्रियों ने विगत रात आरोन में ही रात्रि विश्राम किया था, जिसके बाद आज सुबह वे वहां से गुना के लिए रवाना हुए। साथ ही जैसे ही वे गुना के लिए निकले, तो जगह जगह पर मुस्लिम समुदाय द्वारा इनका स्वागत सत्कार किया गया। हाँ बोलो, हाँ
अंदर बैठ जाएंगे मलेशिया से दो साहब आए जो साइकिल से मक्का मदीना जा रहे हैं हज करने के लिए। तो इनका जो है कितनी दूरी पे है, कितने किलोमीटर है? 18,000 किलोमीटर जी साइकिल से पहुंचेंगे और हज करेंगे वहां पर जाकर। खाना पानी कैसा रहेगा? खाना पानी कुछ नहीं है, उनका खुद का साइकिल पे है व्यवस्था और साइकिल से ही मतलब जो है पूरी व्यवस्था करिए। साइकिल पे ही चल रहा है, साइकिल पे ही खाना बिस्तर वगैरह सब उनका साइकिल पे ही है। आरोन से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट।